आधा हिस्सा ओके आ गए निशा जी भी। ठीक है, तो अभी हमने सिंबल सीख लिए। आप सिंबल्स को, सारे सिंबल्स को, मतलब वेरिएशन अगर मैं लगाऊं तो आपके पास टोटल 7 सिंबल्स हो जाते हैं। तीन चौकोरे के, दो वंशा जेशोनेन के कनेक्शन सिंबल और दो ही सेहे की बैलेंसिंग सिंबल। तो एक बारी निकाल जरूर लेना हाथों से, जो मैंने नहीं भी आपको जैसे वंशा जेशोनेन नहीं बताया बना के, आप एक बार जरूर निकालना अपने हाथ से, पेपर पे बना के देखना। एंड प्लीज, दीज आर द होली सिंबल्स, रेकी के हैं। उसके बाद उसको बर्न करके यू कैन जस्ट डिस्कार्ड इट। ठीक है, पेपर्स को ऐसे मत कहीं पे भी डस्टबिन पे फेंकना, डायरेक्टली बर्न करने के बाद ही उसको डिस्कार्ड करना। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, फिर पेपर पे जब आपको आ जाए, यू आर कॉन्फिडेंट कि आप पेपर पे बिना देखे बना रहे हो, देन ट्राई टू मेक इट ऑन एयर। अभी जैसे मेरे हाथ को देखिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, या तो आप टू फिंगर्स करोगे यूज, तो चौकुरे 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 चौकुरे, तो चौकुरे को बनाते बनाते ही मैंने उसको चांटिंग भी कर लिया, कि मैंने उसको सिंबल को इन्वोक भी कर लिया। चांटिंग मीन्स इन्वोकेशन, से है कि से है कि से है कि से है कि, तो इसका भी इन्वोकेशन हो गया। हौंशा जेशो नैन, हौंशा जेशो नैन, हौंशा जेशो नैन। तो ये था टू फिंगर के साथ। अभी पूरे हैंड्स को अगर हम यूज कर रहे हैं तो आपका क्लोज होना चाहिए हैंड। तो ऐसे करके बनाया चौकुरे 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 चौकुरे। ठीक है, से है कि से है कि से है कि से है कि, हौन शाह जेशोनेन, हौन शाह जेशोनेन, हौन शाह जेशोनेन। तो दिस वे यू कैन, आप लेफ्टी हो राइटी हो किसी भी तरह से हैं, तो आप इसको वो हैंड से बनाओगे जिससे यू आर कंफर्टेबल जब हैंड से बना रहे हो। अगर स्टार्टिंग में आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि थर्ड आई है, कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये तो उल्टा हाथ पड़ रहा जब मैं ऐसे चला रहा हूँ, क्राउन पे है तो ये उल्टा हाथ ऐसे चल रहा है, तो डोंट माइंड, आप डाउट मत रखो, रेकी नोज एवरीथिंग। अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि हौंशा जेशोनेन को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला कि मैं ऐसे याद कर लेती हूँ, मुझे नहीं आ रहा, बहुत कोशिश की उन्होंने, उनको आया ही नहीं, तो कहते नहीं मैंने तो ऐसे ही बोला ना, तो इट इज वर्किंग फॉर दिल। तो रेकी जो है वो अपने आप उसमें ढल गई कि तुम मेरे में नहीं ढल पा रहे, कोई बात नहीं, आई एम योर मदर, यू आर माई चाइल्ड, आई एम सिंकिंग विद यू, इफ यू आर नॉट एबल टू सिंक दिस वे तो नेवर माइंड। आप सामने मिरर के सामने खड़े होके भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि मिरर पे आप सिंबल बना के देखो कि मैं अपने क्राउन चक्रा पे बना रहा हूँ, अब थर्ड आई पे बना रहा हूँ, अब थ्रोट चक्रा है, तो जिस चक्रा पे भी आप बना रहे हो अगर सामने है तो यहाँ पे ही सिंपल आप दो फिंगर के साथ या हैंड के साथ आपने ड्रॉ किया, ये है मेरा चौकुरे, तो मैंने थ्रोट चक्रा पे चौकुरे को ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, या से है कि है तो उसको ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। तो कोई भी माइंड नहीं करना, बस अपना हाथ चलाते जाओ, वो जिस वे में भी मीन्स लिव विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। सिंबल्स में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, चौकुरे का कलर व्हाइट एंड गोल्डन, हौंशा जेशोनेन का भी गोल्डन, से है कि का पिंक, चौकुरे मल्टीपर्पस है क्योंकि वो पावर सिंबल है, तो जिस किसी भी काम के लिए आपको पावर चाहिए, चाहे साफ सफाई के लिए, क्लींजिंग के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, चार्जिंग के लिए, हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, यू नीड पावर, टेक इट, यूज द सिंबल चौकुरे। अगर आपको बैलेंसिंग करनी है, वो बैलेंसिंग भी कोई भी हो सकती है, माइंड टू बॉडी भी बैलेंस हो सकता है, आपकी बॉडी माइंड के साथ, होता है ना कुछ लोगों का ब्रेन कम चलता है, बॉडी ज्यादा मूवमेंट पे रहती है, हमारी थॉट्स बैलेंस में नहीं है, तो एनीथिंग विच इज नॉट बैलेंस इन योर बॉडी माइंड और सोल, किसी का अगर आपको लग रहा है कोऑर्डिनेशन बैलेंस में नहीं है, तो उसको कोऑर्डिनेशन में लेके आने के लिए, बैलेंसिंग के लिए यू कैन यूज सेहे की। सेहे की को आप कोई भी मिस चीज, मिसिंग आइटम्स को ढूंढने के लिए, अपनी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो उसको हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, लव को फिर से नॉरिश करने के लिए, यू नो, तो यू कैन यूज सेहे की। रिकॉल करने के लिए यू कैन यूज सेहे की।
कौन सा जी शून्य, इनका सिर्फ एक ही काम है, ये पावर सिंबल नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द कनेक्शन। यहां पर बैठ के अपने घर पे बैठ के यू वॉन्ट टू कनेक्ट एनी वेयर इन द वर्ल्ड, तो मैं वर्ड भी नहीं बोलूंगी, आई कैन विल सिंपल से यूनिवर्स। अगर यहाँ पे बैठ के आपको कैलाश पर्वत जाना है, यू कैन डू दिस, ठीक है। बस आपको कनेक्शन बनाना है, सिंपल इज दैट, यूज कनेक्शन सिंबल, उस पर्सन को विजुलाइज करो, उसकी थर्ड आई पे बनाओ, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कोई भी चीज है जिसको आप विजुलाइज, जो लिविंग है, एनिमल्स प्लांट्स इनके भी चक्रास हैं, इनके भी बॉडी पार्ट्स हैं, राइट, तो उनके आपने थर्ड आई पे बनाना है, थर्ड आई को विजुलाइज करना है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल टीवी है, फोन बैटरी है, आई हैव चार्ज माई फोन बैटरी विद द हेल्प ऑफ चोकुरे मेनी अ टाइम्स, ठीक है। अगर अभी मैं रिपेयर नहीं करा सकती फ्रिज, अभी ऐसा सीन चल रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, फ्रिज बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, बहुत तंग कर रहा था, ठंडा ही नहीं कर रहा था, तो उसको बोला कि अभी भाई चलो, अभी तो लॉकडाउन है, कहाँ लेने जाएंगे, फाइनेंशियल भी वैसे हैं, तो उस तरह से उसको बस चोकुरे से हीलिंग देकर, कनेक्शन सिंबल बनाकर, क्योंकि कौन बार बार फ्रिज को टच करके रखेगा इतनी देर, कैन वी डू 30 मिनट्स फ्रिज को टच करके हीलिंग नहीं कर सकते, राइट। तो सिंपल कनेक्ट, अपने रूम में बैठे हो, किचन में पड़ा है, ड्राइंग रूम में फ्रिज पड़ा है, कनेक्ट करो, डेट आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद माई रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। तो सिंपल उसके जो उसका टॉप है उसको विजुलाइज करो, उसके ऊपर कनेक्शन सिंबल बनाओ एंड थिंक दैट आई नाउ आई एम कनेक्टेड विद माई फ्रिज, तो विजुलाइज करो अपने दोनों हाथों के बीच में, इस पोजीशन में हो तो इस तरह, अगर ऐसे बैठे हो तो विजुलाइज कर लो कि फ्रिज मेरे हाथों के ऊपर खड़ा है या मेरे हाथों के ऊपर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, एनीथिंग, विजुलाइजेशन इज योर ऑन, इट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी आपको विजुलाइज हो रहा है। और मैं तो कभी फोर्स ही नहीं करती कि सेम सेम चीज विजुलाइज करो, सिर्फ बोलो कि मैं ये कर रहा हूँ, अपने आप दिखेगा, जब अपने आप दिखेगा तो क्लियर ऑडियंस बढ़ेगा, क्लियर वॉइस बढ़ेगा, सुनेगा, दिखेगा, फील होगा, तो एनर्जी फ्लो होगी, यू विल फील। समटाइम्स तो हैंड्स लिफ्ट हो जाते हैं, तो जब हैंड्स लिफ्ट होते हैं इट मीन्स थिंग्स आर गेटिंग हील्ड, चीजें हील हो रही हैं, जब चीजों की नेगेटिविटी निकल जाती है ऑब्वियसली वी स्टार्ट फ्लोइंग ना, हम फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, फ्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो वाली फीलिंग आती है। तो सिंबल्स आर क्लियर, कनेक्शन सिंबल। अभी मैं आपको ये शेयर करूंगी कि अभी हमने हीलिंग कैसे करनी है, क्योंकि आप लोग ने अभी अपनी 24 बॉडी पार्ट्स करने हैं, निशा जी ने, सत्या जी जी के तो हो चुके हैं 24, उन्होंने तो नॉर्मल चक्रा हीलिंग वो करेंगे तो हो जाएगा। तो सिंपली अभी अपने आप से आप एक बार कनेक्शन सिंबल बना लो, है ना, कि अपनी माइंड और बॉडी से हम कनेक्टेड है, तो आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों मैं बोल रही हूँ अपने ऊपर कनेक्शन सिंबल डालने के लिए, कि आपको हर बॉडी पार्ट पे हैंड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाउ यू विल बी फ्री फ्रॉम हैंड्स, हैंड को एक ही पोजीशन लो, बैठे हो क्रॉस लेग करके या सुखासन में हम बैठते हैं नॉर्मल, अपने दोनों हैंड्स को अपने थाइस के ऊपर रखो, नीज के ऊपर, इन बिटवीन वो हमारा एरिया होता है रखने का, वेयर वी आर कंफर्टेबल, कुछ ज्यादा स्ट्रेस करके रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम अपना हैंड्स को ब्रॉड करते हैं, तो जिसमें भी यू आर कंफर्टेबल कीप योर हैंड्स लाइक दिस। सिंपली हम कैसे करते हैं, रेकी, थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू रेकी डॉक्टर मिकाओ सुईची, थैंक्स टू एवरी वन, सब कुछ आ गया। नाउ ड्रॉ चोकोरे और सॉरी कनेक्शन सिंबल ऑन योर क्राउन चक्रा, क्योंकि हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, खुद से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने क्राउन चक्रा पे डालेंगे, हौंशा जे शुनेन, हौंशा जे शुनेन, हौंशा जे शुनेन, नाउ आई एम कनेक्टेड विद माई सेल्फ, नाउ आई एम कनेक्टेड विद माई सेल्फ, 3 बार बोलेंगे सॉरी 3 बार बोलेंगे, हम अपने साथ अब कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप अपने हाथ आराम से छोड़ दीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आपने छोड़ दिए, अभी हम सबसे पहले किसको प्योरीफाई करेंगे, अपने हाथों को, क्योंकि हाथों से निकल रही है एनर्जी, वहां से जाएगी, तो सबसे पहले यू विल विजुलाइज, अगर अच्छा लगता है, नहीं भी लगता है तो हाथों से भी कर सकते हो, सिंपल एक हाथ पे चोकुरे डाला, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, दूसरे हैंड पे डाला चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, नौ चार चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज, तो दिस वे वी प्योरीफाई एंड चार्ज आर बोथ पाम चक्रास, पाम चक्रास हैं, क्लियर हो गए, चार्ज भी हो गए, नाउ रेडी टू गिव द हीलिंग टू माई सेल्फ या दूसरों को भी, अभी हम सेल्फ सीख रहे हैं, चोकुरे डाला, हैंड्स प्योरीफाई, नेल स्टार्ट, जो भी बॉडी पार्ट से आप स्टार्ट करना चाहो, जिससे भी यू फील कनेक्टेड, ए से जी जाना है, जी से ए जाना है, बॉडी पार्ट्स में कोई भी रूल नहीं है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आई से स्टार्ट करो, चोकुरे डाला, विजुलाइज किया, तो सिंपल है विजुलाइजेशन, तो हम विजुलाइज कर सकते हैं कि आंखों के ऊपर चोकुरे डाला, नहीं है तो सिंपल चोकुरे चोकुरे चोकुरे, तो चोकुरे से हमने प्योरीफाई कर दिया, प्योरीफाई माई बोथ आईज, हमारे हैंड्स ऐसे ही हैं, प्योरीफाई
प्योरीफाई माई बोथ आईज, प्योरीफाई माई बोथ आईज, देन अगेन चोकरे 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 चार्ज एंड हील माई आईज, माई विजन इज वेरी गुड। जहां पे भी विजन है वहां पे रुक जाए, अगर ऊपर नीचे है मतलब दूर का दिखता है या पास का दिखता है कुछ ऐसा है, तो यू कैन पुट द अफर्मेशन एंड हील आईज। आईज के बाद टेम्पलेट्स आ जाती हैं, तो चोकरे 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 प्योरीफाई 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 चोकरे 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 चार्ज चार्ज चार्ज। तो हैंड्स को यूज करना है या विजुअलाइजेशन के थ्रू करना है, तो डेट इज योर चॉइस। एक दो दिन लगेंगे, हाथों से कर लो, एक बार सिंबल्स भी हाथ से निकल जाएंगे, राइट? कंफर्टेबल हो विजुअलाइजेशन के जोन में जाके, मेडिटेटिव स्टेट में जाके करना चाहते हो तो दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि 24 बॉडी पार्ट्स या अभी जो आपकी जर्नी है वो कैसी है। तो निशा जी आपकी जर्नी नाइस है, यू कैन इजिली विजुअलाइज द थिंग्स, तो यू कैन गो विद द मेडिटेटिव स्टेट, राइट? उसके बाद सारे बॉडी पार्ट्स, टेम्पलेट्स के बाद हमारे ईयर्स आ गए, ईयर्स के बाद इजिली वी कैन कनेक्ट विद द थ्रोट, फ्रंट एंड बैक, थाइमस एंड थायराइड ग्लैंड, शोल्डर आ जाते हैं। शोल्डर्स के बाद फिर से आप थर्ड आई पे चले जाओ, फ्रंट और बैक, देन क्राउन चक्रा, देन हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, किडनी, है ना, वो सारे जो हमारे हैं वो सबको आप काउंट करोगे। ये बॉडी पार्ट्स की बात है। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू द चक्रास ओनली। अगर आप सिर्फ चक्रा कर रहे हो, चक्रा के लिए रूल है क्लींजिंग होगी ऊपर से नीचे, क्लींजिंग होगी टॉप टू बॉटम, मतलब क्राउन चक्रा पे हम चोकुरे डालेंगे, मेडिटेटिव स्टेट में है, थैंक यू बोला, रिकी स्टार्ट की, पाम चक्रास को प्योरीफाई और चार्ज कर लिया, उसके बाद चोकुरे ऑन द क्राउन चक्रा, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, क्लियर ऑल दी नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। तो आपने प्योरीफाई किया, फिर थर्ड आई को भी सेम, क्लियर ऑल दी नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन, सो ऑन टिल द रूट चक्रा। फिर जब चार्जिंग करेंगे तो नीचे से ऊपर आएंगे, चोकुरे डालेंगे रूट चक्रा पे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज एंड हील माय रूट चक्रा, रिकी डिवाइन एनर्जी, चार्ज एंड हील माय रूट चक्रा। माय रूट चक्रा इज वेरी हेल्दी, पावरफुल, स्ट्रांग इन इट्स नेचुरल कलर रेड, जो भी अफर्मेशन डालना चाहो, दीज आर माय अफर्मेशंस। तो आप अपनी जो भी अफर्मेशंस डालना चाहो वो आप डालेंगे। चक्रा भी चार्ज हो गए। अब हमने सेकंड सिंबल कौन सा सीखा, से है की। अब बैलेंसिंग भी हमारी कैसे होगी, हम ऊपर से नीचे आया ना, एनर्जी बढ़ गया, फ्लो बढ़ गया, ऊपर चला गया, बहुत हाई लेवल पे चले गए, तो हमें तो अर्थ पे ही रहना है, बैलेंसिंग चाहिए, तो बैलेंसिंग फिर ऊपर से नीचे, से है की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, से है की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। चक्रा मेंशन करना है, यू कैन डू दैट। विजुअलाइजेशन आ रही है तो बोलने की भी जरूरत नहीं क्योंकि दिख ही रहा है, नहीं आ रही तो फिर बता बता के करो खुद को, जब तक नहीं विजुलाइज हो रहा एक एक चक्रा को, बैलेंसिंग टिल द रूट चक्रा। अब रूट चक्रा पर आके हमारी बैलेंसिंग भी हो गई, ठीक है, हमारे सारे चक्रास जो है वो बैलेंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा चोकुरे डालेंगे, नॉर्मल चोकुरे, नॉट स्पाइरल वाला, नॉट इंफिनिटी वाला, हम यूज करेंगे नॉर्मल चोकुरे ही, हेड टू टो, सर से लेके पांव तक एक बड़ा चोकुरे बनाएंगे, चोकुरे 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 चोकुरे। अब वो बड़ा चोकुरे आपके ऑरा पे बन गया, अभी आप क्या करोगे कि आई एम प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस चोकुरे पावर। चोकुरा है आपको व्हाइट दिख रहा है, तो व्हाइट एनर्जी का घेरा अपने आसपास विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट आई एम श्योर, आपको अपने आप दिख जाएगा कि मेरा व्हाइट बन गया है, ये गोल्डन बन गया है। तो आई तो यूज गोल्डन कलर, मुझे गोल्डन ही दिखता था शुरू से, गोल्डन ही यूज किया। आप देखोगे कि यू आर प्रोटेक्टेड, तो आपकी एक लेयर बन जाएगी प्रोटेक्शन की, एंड नाउ यू आर प्रोटेक्टेड। अफर्मेशन डालनी है, अगर आपको लगता है आपको किसी एबीसी पर्सन से डर है, खतरा है, कुछ भी है, मेंशन द नेम, अदरवाइज सिंपली प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो दिस इज द होल प्रोसेस हाउ वी विल हील आवर सेल्फ। जो आपके 21 डेज हैं, आपके आई थिंक 3 डेज हो गए हैं निशा जी, तो फ्रॉम टुमोरो यू विल डू विद द हेल्प ऑफ सिंबल। तो वो आपकी पावर को भी बढ़ाएगा और क्लींजिंग को भी हायर लेवल पे लेके जाएगा, हीलिंग को भी हायर लेवल पे लेके जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, किसी तरह की कोई चीज? नो थैंक्स। चलो सब क्लियर, अच्छी बात है। तो सत्यजीत जी आप भी कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे इसकी, चक्रा की, जो मैंने अभी बताया कि चक्रा को कैसे करेंगे, क्योंकि आपके 21 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, इवन आपने तो ज्यादा ही कर लिया था, आई थिंक 27 डेज आपने कंटिन्यू कर लिया था, तो नहीं, शायद ज्यादा हाँ ज्यादा हो गया था ना आपका, भूल गया था, अब शुरू किया था, तो होगा, अच्छी बात है ज्यादा कर लिया। देखो इसका कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल फायदा ही फायदा है,
चीजें अनलॉक होंगी, सब चीजें ठीक होंगी। तो नाउ आप कल से या आज अगर आपको टाइम लगता है तो आई रिक्वेस्ट कि अट्यूनमेंट हो रखी है, अट्यूनमेंट को 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो आप आज से अगर शुरू कर सकते हैं, लेकिन कल का शेड्यूल करें 7 तक आपको क्लींस करें, मेन करें, चार्ज करें और फिर बैलेंसिंग करें, फिर प्रोटेक्शन बनाए। मैंने फिर से रिपीट कर दिया एक बार। तो इसका ना एक फॉर्मूला भी होता है, मतलब अगर हम बोले ना 1 + 1 + 2 + 1, 1 का मतलब सिंबल नंबर 1 से क्लींसिंग करी, +1 मतलब सिंबल नंबर 1 से क्लींसिंग किया, +2 मतलब सिंबल नंबर 2 से हमने बैलेंसिंग किया, +1 मतलब हमने फिर से उसको सील और लॉक कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से 1 + 2 + 1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से हील और चार्ज किया, फिर बैलेंस किया, फिर सील एंड लॉक करके प्रोटेक्ट कर लिया। तो 1 + 2 + 1 का फॉर्मूला। क्लेंजिंग हम ओनली मतलब चक्रा के साथ साथ बॉडी पार्ट्स का क्लेंजिंग कर रहे हैं, लेकिन चार्ज एंड एक्टिवेट ओनली रूट चक्रा कर रहे हैं, बैलेंसिंग रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा उतना कर रहे हैं ना। चार्जिंग हम रूट से क्राउन तक कर रहे हैं, सारे चक्राओं को चार्ज करेंगे ना। हाँ, चार्जिंग कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स को क्लेंज कर रहे हैं, लेकिन बैलेंसिंग में बॉडी पार्ट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, बैलेंसिंग, बॉडी पार्ट्स की बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चक्रा के साथ ही है, बट हमें ऑर्गन्स को थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम कुछ भी कर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं, वो चीजें हमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज दे रही हैं, है ना, कुछ भी होता है। तो चक्रास को, बॉडी पार्ट्स को साथ जो ऑर्गन्स को हम कर रहे हैं उनको थोड़ी स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं कि अच्छे से जो कूड़ा करकट है, जो भी नेगेटिविटी है वो निकल जाए, जो गार्बेज है वो निकल जाए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए भी हम अपना जो है ओवर करते हैं क्लास को, कि हमारा चक्रा से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स थे मैंने आज सोचा था वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 मिनट्स है, बट आई डोंट वांट टू स्टार्ट न्यू। तो कल आप ये प्रैक्टिस करके आना, एंड प्लीज शेयर द फीडबैक कि आपको चक्रास के साथ या बॉडी पार्ट्स, आपका बॉडी पार्ट्स है उनका चक्रास है, तो सिंबल्स के साथ सिंक करके आपको कैसा, कितना डिफरेंस फील हुआ है एनर्जी में। बिकॉज ऑब्वियसली चक्रास जो जब भी आप करोगे तो सिंबल्स की पावर अपनी है, रेकी की पावर अपनी थी, बट हैंड्स ऑन तो अभी लेवल बड़ा हो गया, यू आर 1 स्टेप अप। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।